हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अमन एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर ये हमारे पास देखते हैं एक टॉर्च है। दोस्तों ये क्या होता है कि जब कुछ दिन के बाद ये टॉर्च होता है दोस्तों बैकअप ऑटोमेटिक इसका बैकअप जो है बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके का बैटरी लगा होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही जल्दी इसका बैकअप बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों इसके पीछे का एक रीज़न है दोस्तों, ये जो बैटरी होती है एसिड बैटरी होती है, जैसे हमारा इन्वर्टर होता है दोस्तों उसी तरीके से। दोस्तों ये छोटे में आता है, इन्वर्टर बैटरी जैसे होता है हमारा उसी तरह से ये छोटे में होता है दोस्तों, एसिड बैटरी होती है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते दोस्तों, जैसे हमारे इन्वर्टर का बैटरी का जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है तो हमारा बैटरी बैकअप नहीं देता दोस्तों, इन्वर्टर हमारा बैकअप नहीं देता है। उसी तरह से दोस्तों इसमें भी है, अगर इसका पानी जो है इसकी बैटरी का पानी है वो एसिड है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों, कोई ध्यान नहीं देता, इसमें कोई पानी नहीं डालता, इसीलिए इसका बैकअप जो है एकदम डाउन हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर इसमें हम पानी डालने वाले हैं, बैटरी पानी डालने वाले दोस्तों। इसमें जो पानी पड़ेगा वो जो हमारा इन्वर्टर में जो पानी डालते हैं वही पानी इसमें डालना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसमें पानी डालता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक चिमटी की मदद से कुछ भी चीज़ की मदद से इसको इसे निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो कैप मिलेगा कुछ इस तरीके से, इसको निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बैटरी का पानी लेंगे। दोस्तों आपको एक सिरिंजी की मदद से इसमें डालना पड़ेगा, जो एक सुई होता है दोस्तों उसकी मदद से यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको इसमें पानी डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दिया हूँ, बैटरी का पानी डाल दिया हूँ। दोस्तों आप देख लें इसके बाद ऑटोमेटिकली इसका दोस्तों जो बैकअप है वो ऑटोमेटिकली इसमें बढ़ जाएगा दोस्तों, ये बैकअप और अच्छा देने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बंद कर देता हूँ, जिस तरीके से उसी तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। तो दोस्तों अब इसको अगर आपको चार्ज करना है तो बैटरी को इस तरीके से, इस जो टॉर्च है दोस्तों कुछ इस तरीके से चार्ज करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो पानी है वो ज़्यादा हो गया है दोस्तों, पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसमें क्या होता है जब हम बैटरी को उल्टा चार्जेंगे तो यहाँ से लीक होने लगेगा दोस्तों, इसलिए आपको बैटरी टॉर्च को सीधी चार्ज करना है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।